हेलो यूट्यूबर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टास्क। आज की मैं इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आपके पास है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके पास बड़ा ही कॉमन सा होगा और शायद ये 7th-8th से ही आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम रैशनलाइजेशन होता क्या है, तो मैं आपको वही बताने जा रही हूँ है क्या। एक जनरल सा कॉमन सा एग्जाम्पल लेके चलेंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिख दिया मैंने कि 1/√7 - √6, इसकी रैशनलाइजेशन करनी है। कैसे करेंगे, देखिए इसके सोल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे कैसे ही लिख लेना है। आपको करना क्या होता है इसमें, यहाँ पे साइन लगाना है मल्टीप्लाई का और जो टर्म नीचे होगी उसको ऐसे ही उठा के लिख देना है, एक बार तो ऊपर भी नीचे भी, बस साइन रिवर्स कर देना है। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, इसी को रैशनलाइजेशन बोलते हैं। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 1 को इस पूरे फैक्टर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास आएगा √7 + √6। अब नीचे मुझे बताइए, एक फॉर्मूला बन रहा है वो क्या है, a - b, और ये बन रहा है a + b। तो सभी को पता ही होता है ये फॉर्मूला किसका होता है, a² - b² का। तो इसके अकॉर्डिंग ए क्या हुआ, √7 हुआ, √7 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी क्या हुआ आपके पास, √6 हुआ। तो बीच में माइनस है, √6 का स्क्वायर कर देंगे। और ऊपर वाली टर्म ऐसे कैसी रहेगी, √7 + √6/ 7 का स्क्वायर करेंगे, और जब रूट वाली टर्म होती है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 7 - 6 आ जाएगा, √7 + √6/ 7 - 6 = 1, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इसी को रैशनलाइजेशन बोलते हैं।